निहारी की खोज हमें ले गई है लालू खेत। वहाँ पे हमने एक ऐसा रेस्टोरेंट निहारी का किया है डिस्कवर कि जिसके ओनर का तो जवाब ही नहीं था। हमने कहा जब ओनर इतना शशके वाला है तो इसकी निहारी कितनी लाजवाब होगी भाई। बोटी तो ऐसे गली हुई थी कि जैसे आपका दिल पिघल जाए देखते के साथ ही। और जब लगाया गया है इस पे देसी घी वाला आग का तड़का तो वी वर शॉक। हमने कहा ये तो हमें करना है हर हाल में ट्राई। तो फिर लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग और देखते हैं कि ये निहारी कैसी होती है। हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स अप माय फूडी पीपल, दिस इज वी हिरा। और येट अगेन इस मजेदार से फूड ब्लॉग में मैं आप लोगों को निहारी खिलाने लेके आई हूँ। इनकी जो खास बात है ना, वो खास बात इनकी ये है कि यहाँ लगता है देसी घी का तड़का निहारी में, और साथ में डलती है नली और मज़ेदार किस्म का महज। और इनका बोंग का गोश्त इतना कोई मुलायम है कि हाथ लगाते के साथ ही ऐसे पिघलता है जैसे आपकी बातों पे शायद वो पिघल सकता था। तो आई गेस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग फूड व्लॉग। तो आइए चलते हैं, आपको ये मज़ेदार से दिखाते हैं शॉर्ट्स। तब तक मैं अपने खाने का करती हूँ ऑर्डर। हमारे पास देसी, पहला तो हमारा फेमस अल्लाह ने किया देसी घी के तड़के वाली नहारी। तो ये डेयरी का काम, आपको मैंने सर्वे कराया, मैंने लस्सी की मशीन आपको दिखाई, ये मेरा डेयरी का काम है कि डेयरी की वजह से देसी घी मेरे घर का है, मेरे घर पे बनता है। तो लिहाजा लस्सी होती है, नर छुआरे वाला दूध होता है सर्दियों की सौगात, और गर्मियों की दिल बहार लस्सी अपने यहाँ होती है। ओके जो यहाँ पे हमारे पास आ गई है हमारी कोई मज़ेदार सी देसी ये तड़के वाली निहारी। इसको देखते के साथ ही ना लिटरली मुंह में आ रहा है पानी। यहाँ पे इन्होंने हमें दे दिया है नली, और ये रहा यहाँ पे बेहतरीन किस्म का मवज भाई। मोमेंट ऑफ द ट्रूथ नाउ, मज़ेदार सी ये रही ताज़ी रोटी। सबसे पहले तो हम इसको तोड़ेंगे, बिस्मिल्लाह। ओए बोटी, एक एक रेशा बोटी का भाई अलग हो रहा है, ये देखें ज़रा। आय हाय हाय हाय, ये बात होती है। आपकी निहारी अगर परफेक्ट बनी हुई है ना, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसकी बोटी का जो बोंग का जो गोश्त है वो रेशे की तरह हो रहा है अलग। और उसके बाद सालन परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है, गाढ़ा। फिर हमने इधर डाली नली। ओहो, और मैंने बहुत बड़ा बाइट बना लिया, लेकिन इट्स वर्थ इट। बिस्मिल्लाह। ब्रो सीन ऑन है। कराची में बैठे बैठे इस वक्त मैं पहुंच गई हूँ लाहौर, क्योंकि वहाँ जो मैंने देसी घी की निहारी खाई थी, एज कम्पेयर टू दैट, ओ माय गॉड, इंडल्जिंग, बेहतरीन। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है निहारी की, वो आप सिर्फ ये देखें ये कितनी कोई गाढ़ी है। आई वुड टोटली रेकमेंड यू दिस प्लेस, क्योंकि सारे पैसे इसके देसी घी के तड़के के हैं, और उससे वो जो फ्लेवर एक दे रहा है, आई वुड गिव इट अ प्रॉपर 8.5 आउट ऑफ 10। दिस निहारी अपने आप में ये निहारी स्टार है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है मगज़ खाने का, तो लेट्स ट्राई कि मगज़ कैसा है। मगज़ काफ़ी सॉल्टी है और बड़ा स्क्विशी सा है, तो जैसे चबाओ उसको अंडे की तरह, जो है ना आप बाइट जैसे नहीं रोलर होता, बिल्कुल अंडे वाला टेक्सचर है मगज़ का। यार ये लोग इतने हॉस्पिटल हैं, एंड आई एम सो हैप्पी राइट नाउ कि निहारी ने मेरा मूड एक तो कर दिया ठीक, साथ में इन्होंने हमें दिए है अपने बासमती से बने हुए, बासमती चावल से बनी हुई बिरयानी, और तो और बासमती चावल से बने हुए पुलाव। मतलब कि यार आपने देखा होगा कि हमेशा लोग सेला यूज़ कर रहे होते, बट इनकी स्पेशलिटी ही यही है कि ये लोग जो है वो प्योर बासमती यूज़ कर रहे होते हैं, और जो देसी घी है वो भी इनके घर से बना हुआ है। और तो और द स्पेशल लस्सी, और इस लस्सी को बनाने में ना सिर्फ तीन चीज़ें यूज़ हुई हैं, क्या
दूध, दही और एक मशीन जिसमें लगा हुआ है कंप्रेसर, और बर्फ़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि वो उस चीज़ को इतना ठंडा करती है कि भाई उसमें से पानी ऐड करने की ज़रूरत होती है। और ये इतनी 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 गाढ़ा लस्सी है कि इसके ऊपर आप जो मलाई देख रहे हैं ना, देखें ज़रा। तो भाई आई एम एंडिंग माई व्लॉग विद दिस मज़ेदार सी मलाई मार के जो लस्सी इन्होंने दी है ना, जो गया है प्रॉपर रिच, क्रीमी और फ्लेवरफुल। इसको पीते के साथ ना मैं तो सातवें आसमान पे हूँ इस तक। एंड आई एम श्योर ये व्लॉग देखने के बाद ना आपने डायरेक्ट कहीं पे भी नहीं आना है, इस निहारी पॉइंट पर आना है। यहाँ आके आपने मज़ेदार सी निहारी और साथ में इनके पास जो और बहुत से आइटम है जैसे कि बिरयानी है, इनके पुलाव है, और साथ में इनके पास छुहारे वाला जो दूध है ना, वो तो सर्दी की है सौगात। तो सारी चीज़ें करनी है ट्राई, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसे आया है पसंद। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बिकॉज अगर नहीं करोगे तो फूड व्लॉग्स नहीं आएंगे। सही है, दिस इज़ मी हेरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम वेयर इज़ द फूड।